कितने हैं आप में से जो अपना कोई बिजनेस या तो अभी शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं बहुत जल्दी? कितने ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्या करें, मतलब आइडियाज नहीं है माइंड के अंदर और उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कैसे करें? ऐसे कितने हैं? काफी सारे जिनका हाथ यहां तक जा रहे, डीओ लगा के नहीं आए हो क्या? ये क्या होता है भाई? अरे साथ वाली को मरने दो, हाँ रोने दो, वो इधर उधर मुंह करेगी, कोई नहीं। तो ऑलमोस्ट सब चाहते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी अपने बेस पे कुछ करने का ट्राई किया जाए, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या करें, यानी आइडियाज ही नहीं आते हैं माइंड में, और दूसरा ये नहीं समझ आता है, चलो आइडिया भी आ गया लेकिन उसको कैसे करें। रिस्क भी बहुत होते हैं। हाँ, रिस्क बहुत होता है। रिस्क क्यों आता है? जैसे आपको अपने घर से यहाँ पर आना था, कितना रिस्क था उसमें? कितना रिस्क इन्वॉल्व था? बहुत बहुत। मतलब क्या, कोई रस्ते में भूचाल आया हुआ था, मतलब आंधी तूफान था, सुनामी थी, क्या था? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी? 100 तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 99.99%? सही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? रिस्क यहाँ पर ऑलमोस्ट 0% था पहुंचने का। क्यों? क्योंकि ये वेन्यू किसी जंगल में नहीं है जहां का कोई रास्ता ही नहीं पता है आपको। मतलब मान लो ये पीतमपुरा में हो रहा है तो उसका नाम होता गीतमपुरा, तो जगह है ही नहीं। अब आप ढूंढ रहे हो, नेट पे ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो गीतमपुरा कहाँ है जी, गीतमपुरा पता नहीं जी। तो कैसे पहुंचते? तब कितना रिस्क था? ऑलमोस्ट 100%। नॉलेज से रिस्क कम हो जाता है। नॉलेज नॉट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस विच इज कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। मतलब नॉलेज किसी ऐसे बंदे से जो खुद उस रास्ते पे चला है, जो खुद वहां तक पहुंचा है जहां पहुंचना चाहते हो, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इससे रिलेटेड एक बड़ा सिंपल सा आइडिया मेरे माइंड में आया है। आइडिया इज, अगर उसको मैं 3 वर्ड्स में बोलूं, इट्स अ फ्री बिजनेस स्कूल। आगे लगा दो भाई संदीप महेश्वरी। कैसा लग रहा है आइडिया सुनने में? वहां पर कोई थियोरेटिकल बातें नहीं होंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होंगी। सीधी सी बात कि आप काम करना चाहते हो, अपना कुछ करना चाहते हो, आपके पास में आइडिया है, और अगर वो आइडिया आपको औरों से शेयर करने में कोई डर नहीं है तो आप यहाँ पर आओगे, हम लोग साथ में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि आपका जो आइडिया है उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाया जा सकता है, कम से कम रिसोर्सेज में, जहाँ पर रिस्क कम से कम हो, प्रैक्टिकली वो कैसे किया जा सकता है, और उनकी वीडियोज अपलोड होगी मेरे चैनल पर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ताली कौन? मैं बजाऊँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको या जो भी लोग मेरे को अभी वीडियो में देख रहे हैं उनको क्या करना है कि अपनी एक छोटी सी वीडियो बनानी है 5 मिनट के अंदर अंदर, कि आपका वो आइडिया क्या है और क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो। नॉट जस्ट कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ ये करके, क्योंकि वहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, बट प्रैक्टिकली क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप अपने बिजनेस प्लान के थ्रू सॉल्व करना चाहते हो, तो वो आप उसमें बताओगे और वो पैशन भी अगर आपकी आंखों में नजर आएगा तो वो वीडियो आप हमको ईमेल कर सकते हो ideas@sandeepmaheshwari.com पे। ईमेल करोगे फिर हमारी टीम उन सारी वीडियोस को देखेगी, मान लो हजारों वीडियोस आई, और वो लोग जो जेन्युइनली पैशनेट लग रहे होंगे कुछ करने के लिए उनको बुलाया जाएगा। और वीडियोस कितनी होंगी, कब कब होंगी, वो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ। जनवरी से शुरू हो जाएगी और मार्च तक ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब एक पूरी की पूरी सीरीज होगी। हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड होंगी तो 1 महीने में कितनी हो गई? 12। 3 महीने में कितनी हो गई? 36। तो टोटल 36 वीडियोस अपलोड होने वाली है। वो कोशिश ये रहेगी जो 36 आइडियाज होंगे वो अलग अलग फील्ड के होंगे, तो उससे हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एक अलग लेवल पे जाएगी। उसमें आप ये भी बता सकते हैं शॉर्ट में कि जो इसके लिए जितना भी पैसा चाहिए उसका आपके पास में क्या अरेंजमेंट है। कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे आकर के कहो और सारा डिस्कशन हो जाए, एंड में कहो सर पैसे कौन देगा। पैसा आपको लगाना है, तो नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे कि क्या किया जा सकता है, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क को कैसे कम से कम किया जाता है। अगर इस एज में आप लोगों का दिमाग चलने लग जाए और बहुत सारे लोग कुछ कमाल का करने लग जाए अलग अलग फील्ड में, तो क्या यही सोल्यूशन नहीं है परमानेंट हमारी कंट्री का? यानी माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ जॉब 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 से हट करके थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट भी आए। मैं ये नहीं कह रहा सबका, बट एटलीस्ट आधे लोग तो ऐसा सोचे ना। अगर सभी सिर्फ नौकरी के बारे में सोचेंगे तो नौकरियां जनरेट कौन करेगा? हम बात तो करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, इसकी उसकी, बट कभी डीपली समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका सोल्यूशन क्या है।
बस बैठे बैठे एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि नहीं सरकार को ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। वो करते हैं क्या? वो कर देंगे, मतलब रातों रात क्या अगर मान लो करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो रातों रात क्या करोड़ों वैकेंसीज निकल आएंगे? नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो एक तो तरीका है पैसिव अप्रोच, कि बैठे बैठे बस हम एक्सपेक्ट करते रहें कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरा है एक्टिव अप्रोच, कि मैं भी कुछ करूं और आप भी कुछ करो, मतलब मिल करके एक चेंज लेकर के आए। तो आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम कुछ स्टार्ट भी करते हैं, इवन मैं अपना बिजनेस मैंने जो स्टार्ट किया था अब से 3 साल पहले, मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये आती है अगर मैं कुछ भी उसके साथ न्यू करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी फैमिली मुझे वो अलाउ नहीं करती, कहीं ना कहीं मुझे टॉन करती है, मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर, कि क्या वो सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक माइंड में थॉट आता है कि क्या वो सही है या नहीं है। हर एक की फैमिली की अपनी अपनी कंडीशनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो क्या चाहेंगे? देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो चाहेंगे आप भी डॉक्टर बनो। दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो वो क्या चाहेंगे? आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तब आप सक्सेस हो, नहीं तो आप निकम्मे हो, नहीं तो आप फेलियर हो। ऐसे ही होता है, माइंडसेट बन जाता है बेसिकली। तो जैसे ही जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी कंडीशनिंग है बचपन से, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, उससे अलग आप कुछ भी करोगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे फॉर श्योर। तो अब वहां पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं है कि वो टॉन्ट मारना बंद कर दें या वो कुछ कहना बंद कर दें, वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है कि अगर तो आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है, आपकी विजन क्लियर है, फ्यूचर और विजन दोनों, अगर विजन क्लियर है, अगर विजन क्लियर नहीं है तो मत करो उस काम को। समझ गए? बिल्कुल ऐसा है कि मैं स्विमिंग कर लूंगा गहरे पानी में, तो कर ले, जा डूब ले, मर ले। तो कॉन्फिडेंस नॉट बेस्ड अपॉन कि भाई ऐसे ही हवा में कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा, विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्विमिंग इज, उसके बेस पे अगर आप बोल रहे हो हाँ मैंने करा है, मैंने किया है, मैंने यहाँ पे किया है स्विमिंग पूल में, मैंने बड़ी प्रैक्टिस कर ली डीप वाटर में, अब मैं उस नदी में तैर सकता हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं तो सामने वाले घबराएंगे, सोचो आपको तैरना नहीं आता है और आप सीधा कह रहे हो नहीं मैं तो ये पार करके रहूंगा इस नदी को, तो आपके घर वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं, बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेल हो जाते हैं। 90% से ज़्यादा लोग जो बिजनेस ट्राई करने का सोचते हैं या करते हैं फेल हो जाते हैं। वही तो मेरी विजन है कि किस तरह से इस परसेंटेज को कम किया जाए या उल्टा कर दिया जाए, कि आपके अंदर एक विजन क्लियर हो जाए कि नहीं 90% है कि मैं तो कर जाऊंगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर वो बोलते हैं तो वहां पर अगर आपकी विजन क्लियर है तो आप अंदर ही अंदर हंसोगे। हंसते नहीं हंसते जब हमारी विजन क्लियर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई आए और आकर के आपको बोले बड़े कॉन्फिडेंस से, और 10 लोग नहीं 20 लोग नहीं 100 लोग खड़े हो जाएं आपके सामने और आकर के बोले कि धरती गोल नहीं है फ्लैट है, हमें दिख रहा है फ्लैट, तू समझ क्यों नहीं रहा कि फ्लैट है, और आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो क्या करोगे वहां पर? लड़ोगे उनसे, बहस करोगे या हंसोगे? हाँ तो हंसी आती है। इसी तरीके से जब आप कुछ कर रहे हो और अगर आपकी खुद की विजन क्लियर है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर आपकी विजन क्लियर नहीं है और वो बोल रहे हैं उस वजह से आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, नहीं तो खुद भी मरोगे उनको भी मारोगे। सर कभी कभी क्या होता है कि हमारा विजन क्लियर होता है, प्लान भी होता है, बट हम उस चीज को करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं 2-3 बार फेल होने के बाद, कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती फिर दोबारा उठ के उस चीज को दोबारा करने की। तो उस टाइम खुद को कैसे मोटिवेट किया जाए और कैसे वापस से उसमें दोबारा से जान लगाई जाए? एक चीज छोटी सी ये समझ लेना कि ये जो बिजनेस वर्ल्ड है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ गए हो, बिजनेस की जो दुनिया है, तो उसमें आप फेल नहीं हो सकते। मतलब बिजनेस का मतलब क्या है अगर शॉर्ट में मैं एक लाइन के अंदर बताऊं तो वो क्या है कि किसी की जो नीड है उसको पूरा करना। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब हम काम करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। हमारी नीड क्या है कि हमको फटाफट से पैसा चाहिए। हमारी नीड क्या है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखो ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। उसकी नीड क्या है कि प्राइस कम से कम हो। उसकी नीड क्या है? फ्री में ही दे दो है या नहीं है? अपने ऊपर रख करके देखो, ये सेल होती है उस दिन ऐसा क्या हो रहा होता है? एनुअल सेल नहीं होती है इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, उस दिन लोग पागलों की तरह टूट करके पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे मतलब थोड़ी है कि वो कंपनी लॉसेस में जा रही है, आपको 70% डिस्काउंट देंगे, आपका है कि लूट लो नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। तो जब तक ये गैप बीच में आकर के मिलेगा नहीं, तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं।
अगर फेल हो रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं फेल हो रही हूं तो गलत कह रहे हो। आपको क्या कहना है, अच्छा मुझे अभी समझ नहीं आया कि एक्चुअली नीड क्या है, मैं उसको क्रैक नहीं कर पा रही हूं। समझना मैं क्या कह रहा हूं कि आपको लगा, मतलब एक्चुअल में तो आपको पता ही नहीं ना मार्केट की नीड क्या है, आपने सारा सर्वे किया सब कुछ किया और आपको लगा कि हाँ ये नीड है और इसके अकॉर्डिंग आपको लगा कि ये प्राइस होना चाहिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लगा, लेकिन एक्चुअल में तो पता ही नहीं ना। जैसे आपको सबको जो भी लगता है मेरे बारे में वो लगता ही तो है, एक्चुअल में मैं क्या हूं वो किसको पता है। ऐसे ही बिजनेस में हमको लगता है ये करने से ये हो जाएगा, पर जब करते हैं तो पता लगता है नहीं ये नहीं हुआ। नहीं हुआ का मतलब क्या है कि जो हमको लगता है और जो एक्चुअल में रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करना है, उसके पास पहुंचना है। जैसे ही आप इसको क्रैक कर लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ गए ना? और इसका कोई क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग टारगेट सेगमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से चीजों को करना होता है। जैसे कोई इंडस्ट्री होगी, कोई काम होगा आपका जहां पे प्राइस ड्रिवन है, वो पूरी की पूरी जो मार्केट है, क्वालिटी आप इतना दे दो कि काम चल जाए। कोई ऐसी होगी जहां पे क्वालिटी तो उनको चाहिए ही, बट अगर प्राइस कम है तो वो लोग नहीं लेंगे, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग सूट नहीं करेगा। सेम प्रोडक्ट सेम मैन्युफैक्चरर से निकला है, एक जगह पे वो बिक रहा है मान लो 5,000 का, दूसरी जगह पे बिक रहा है 1,000 का, वहां भी लोग खरीद रहे हैं, वहां भी खरीद रहे हैं। फर्क क्या है? अगर उस 5,000 वाले को बोला जाए कि ये 1,000 रुपए की शर्ट है तो वो नहीं लेगा। नीड्स अलग अलग है, उसको क्रैक कर लेना है। उसको क्रैक कर लिया तो काम हो गया, बस सिंपल है। सर कहीं भी बिजनेस करने जाते हैं, कोई भी कहीं भी जाता है, अगर फर्स्ट ग्रेड हो जाता है मतलब वो फेल हो जाता है, तो सॉल्यूशन में बताते हैं, देख बेटा अगर तुझको ये करना है तो सबसे पहले तू देख अपने विचार को बदल, विचार को बदलने के लिए तू गीता पढ़ या रामायण पढ़, ऐसे से सर बड़े बड़े लोग ऐसे से थॉट देते हैं, तो क्या सर ये बात सही है कि गलत है? भगवत गीता इज मोर टू डू विद लिविंग अ लाइफ जहां से कि आप खुद को डिस्कवर कर सको। ये जो लिखा हुआ है ना डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर नॉट एज इन अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, सबको डिस्कवर ना, जो आप एक्चुअल में हो वहां तक पहुंच सको, दैट इज भगवत गीता। उसका बिजनेस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बिजनेस क्या है? फिलिप कोटलर को आप पढ़ते हो, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन, ये सब मिलेगा भगवत गीता में? नहीं। तो भगवत गीता अपनी जगह पर है और ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर है वो अपनी जगह पर है, इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। अब फिलिप कोटलर को पढ़ करके ये मार्केटिंग सीख करके आप खुद को नहीं जानने वाले हो, हाँ लेकिन पैसा कमा सकते हो, बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो, बट उसको आप यूज करो अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, तो उसको पढ़ करके मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, क्या टट्टू होगा वहां समझे? तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है हम सबकी लाइफ में। हमें ये नहीं पता है किससे क्या पूछना है, हमें ये नहीं पता है किससे क्या सीखना है। लोग आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं ये एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूं, इसको क्रैक कैसे करूं? तो मेरे मन में पता है क्या आता है, अबे क्रैक किससे पूछ रहा है? एक कॉलेज ड्रॉपआउट से पूछ रहा है, थोड़ा तो बुद्धि लगा। आज तक मैंने खुद ने कुछ क्रैक नहीं किया, मैं कैसे तेरे को बताऊंगा कि तू कैसे क्रैक कर? मेरे से ये पूछो कि हाँ भाई 10,000 रुपये से अगर एक कंपनी खड़ी करनी है 10 करोड़ की या 100 करोड़ की, वो कैसे होगा, वो मैं बता सकता हूँ। तो लाइफ में ये एक आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए, ये इतनी एक समझ होनी चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि किससे क्या पूछना है, किससे क्या सीखना है। बहुत सारे लोग हैं फैले पड़े हैं चारों तरफ, उनकी वीडियोज आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर, 4 दिन में पतले कैसे होते हैं, और वीडियो 4 साल पुरानी है, उनकी लेटेस्ट वीडियो देखोगे तो अब और फैल चुके हैं भाई। 4 दिन मतलब कमाल हो रहा है इस दुनिया में। तो इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो फायदा हो रहा है, उनकी वीडियो के ऊपर लाखों व्यूज है, उन्होंने तो कमा लिया जो कमाना था, आपको क्या मिलेगा? समझे? दोनों चीजों में बड़ा फर्क होता है। एक है थियोरेटिकल नॉलेज, वो तो आप भी चेप सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। आपके पास मैं आ जाऊं बिजनेस एडवाइस लेने के लिए, आप शुरू हो जाओगे किस बेस पे? कहीं से कुछ पढ़ा होगा, 2-4 बुक्स पढ़ ली होंगी। तो थियोरेटिकल नॉलेज में एंड नॉलेज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, जमीन आसमान का फर्क है।
तो हमेशा नॉलेज और एक्सपीरियंस ऐसे किसी बंदे से लो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उस फील्ड की थ्योरी का एक्सपर्ट ना हो, प्रैक्टिकली उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। मतलब अगर एक कमाल का क्रिकेटर बनना है तो किसी ऐसे बंदे से मत लो जो बैठ करके सारे क्रिकेट मैचेस देख रहा है 20 साल से और बताता रहता, अबे इसको क्यों भेज दिया, अबे इसका तो खेलना ही नहीं आता, और उसको बंदे को बैट भी नहीं पकड़ना आता है, वो ये सब बड़बड़ कर रहा है। उससे मत सीखो। किससे सीखो? किसी ऐसे क्रिकेटर से जिसको एक्सपीरियंस हो। बैटिंग सीखनी है तो विराट कोहली से सीखो, एग्जैक्टली सचिन तेंदुलकर से सीखो, अपने उस पंटर दोस्त से नहीं जो इनको बोल रहा है कि तुझे खेलना नहीं आता। तुझे बैट पकड़ना नहीं आता है, खेलना नहीं आता है, पॉपकॉर्न खा रहा है और अपना कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। तो ये पॉपकॉर्न खाने वाले लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान दो। मेक सेंस? एक बात बताना, सच सच बताना, मतलब झूठ मत बोलना। अभी जब यहाँ पर आप आए थे और बिजनेस के बारे में जिस तरह से सोच रहे थे, जो भी आपका माइंडसेट था उसमें, और अब जहाँ तक भी हम गए हैं, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कुछ चेंज आया है? सच में आया है या झूठ कह रहे हैं? कितने सच में जिनको लग रहा है यहाँ चेंज आया है? अब बिजनेस करना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? आसान लग रहा है ना? सोचो कुछ देर में ऐसा हुआ है, अगर प्रॉपरली वो 36 वीडियोस आप बैठ करके देख लो, कितना चेंज आ जाएगा, कितना आसान लगने लग जाएगा सब कुछ। हाँ, करी डालेंगे। अरे करी डालेंगे। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।